नमस्कार। झांसी के वार्ड नंबर 4 खुशीपुरा में मौजूद है। खुशीपुरा में 5 साल जीने बिता ले इंदु वर्मा जी मौजूद है। पार्षद की गद्दी पर 5 साल खुशीपुरा में कामकाज कार्यकाल अपना संभालो है। इस बार दोबारा पुनः मैदान में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की प्रक्रिया लागू है। बाकायदा कार्यालय विभागन में जावे लगी और बाकायदा विश्वास के साथ टिकट मांगने को प्रयास है। देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व किए टिकट देवे को काम करे तो आखिरकार को गद्दी पे जावार पार्षद की जनता बिठाने का काम करेगा। मौजूद है इंदु वर्मा। हाल ही में खूब न्यूज निकली थी, खूब इनका विरोध के रूप में लोगों ने न्यूज बनाई थी। बाकायदा लोगों ने बयान दिए थे कि पार्षद जी कब आते ही नहीं। जब उन लोगों से नहीं, जब बात हम लोगों से भी कही लोगों ने कि पार्षद जी तो काम कराओ नहीं जाना, दिखाते हैं हमें आत नहीं जा। मौजूद है इनसे चर्चा में, जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण है, लोगों का दिल क्यों दुखी है, तो आपसे नाराज है लोग बाग। इंदु जी नमस्कार। नमस्कार। 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष में आखिरकार क्या काम कराओ आपने, जनता आपसे नाराज है। देखिए, जनता का नाराज जायज है क्योंकि 5 साल के पहले कोरोना काल चला, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो मैं जा नहीं पाई किसी के पास, उनका जायज है। मगर फिर भी मैंने जिन 2 सालों में इतना काम करा दिया है, वो पिंजिंग लगवा दी है, पार्कों का सुंदरीकरण करा दिया है, सड़कों का निर्माण करा दिया है, और भी ऐसे कई कार्य, शौचालय वगैरह बनवा दिए हैं, कचहरी चौराहे पे शौचालय बनवाया है मैंने, और भी ऐसे कई कार्य है कि अब जनता तो देखिए, जनता तो कुछ हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो वोट देती है हम लोगों को, तो उनका तो कहना है ही, मैं उनकी बात मानती हूँ, उनका नाराजगी जायज है। मगर बात ये है कि मतलब वो भी थोड़ा हम समझे कि इस महिला हमारे बीच में रहती है, आज भी रहती है, कल भी रहती है। मैं तो नीचे के तब की हूँ, नीचे की तब से मैं काम करती हूँ, वो लोग भी जानते हैं कि हाँ मतलब ये सब चीजें रही है, इसलिए उनकी नाराजगी जायज है। मगर इस बार अगर जनता और पार्टी मुझे मौका देगी तो इस बार ऐसी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं उनको। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपने बोला शौचालय हमने खुद वहां पे कचहरी रोड से पहले बनवाया, तो आखिरकार वो जनता वहां जाती है कि नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है, क्यों नहीं जाती है, बिल्कुल जाती है। अभी मैंने मड़िया महादेव पे भी कार्य कराया है, जनता यहाँ तो जाती है, तो प्राची मंदिर है, आप पंडित जी से जाके मिलिए, आप बताएंगे वो कि हाँ कितना कार्य कराया है, कितना नहीं कराया है, वो जनता ही बताएगी। अब कौन से मूवमेंट को लेकर चुनाव लड़ रही है, अब कौन से काम अधूरे रह गए? जो भी जनता की नाराजगी है, जो काम अधूरे रह गए हैं, मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो भी मेरे अधूरे काम रह गए हैं, मैं उनका पूरा कार्य करूंगी, उनके खरी उतरूंगी। अब ऐसी कोई विपदा नहीं आएगी, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है और ऐसे ही बना रहेगा, और उनके ही आशीर्वाद से अब ऐसी कोई परेशानी मेरे अंदर नहीं आएगी, हमारे घर के अंदर, कि मैं उनके बीच ना जा पाऊँ। खुशीपुरा के अंदर मान के चलो वोटिंग कितने की है? 8,500 जी। 8,500 की वोटिंग में अनेक लोग प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। अगर इंदु जी, अगर आपकी पार्टी ने और किसी को टिकट सौंप दिया बरमुश्त, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगी क्या? नहीं नहीं, मैं शुरू से पार्टी से जुड़ी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं नीचे की तबकी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, उसके सिम्बल की तरह मैं जीती थी। अगर पार्टी मुझे इस लायक फिर से समझेगी तो मैं टिकट मिलेगा तभी लड़ूंगी, और वैसे निर्दलीय मेरा कोई विचार नहीं है। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का क्या कह रहा है आपके प्रति? बिल्कुल अभी तक आशा विश्वास जता रही है, बिल्कुल जताया, आशा विश्वास जताया है। क्या लगता है, आप अपने वार्ड से अगर टिकट मिलता है, जनता आपको फिर दोबारा चुनती है, तो जो काम अधूरे हैं वो दूर हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, और उनके बीच में जाके बैठूंगी। मैं पहले बैठती थी, 2 साल पहले बैठी रही, और अभी 1 साल से भी बैठ रही हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि मान लो हमारा बेटा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने कहा किसी से, भैया हमारी सफाई करा दीजिए, भैया हमारा सैनिटाइजर करा दीजिए। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि उनने हमारे उस पे काम करके अब वो चुनाव की दावेदारी कर रही है, तो ये तो गलत बात है। जनता इसलिए जानती भी है, जनता इस बात को जानती भी है, कहा इनकी प्रॉब्लम थी तो इन लोगों ने ऐसा काम किया है, उसी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अंत में क्या कहना चाहोगी बाट की जनता से, जो भूल चूक हुई है क्या दोबारा नहीं होगी? नहीं, जो भूल चूक हुई है मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं वहाँ की जहाँ से मैं लड़ी थी वहाँ की मैं बेटी हूँ, मैं सब लोगों से, माता पिताओं से, सबसे, भाभियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप फिर मुझे एक बार मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध करती हूँ कि एक बार फिर से मौका दीजिए, फिर उस अगर मैं खड़ी ना होती तो भारतीय जनता पार्टी भी मुझे टिकट नहीं दे और पब्लिक भी मुझे ना चुने। ये थी इंदु वर्मा, इन्होंने अपनी परेशानी का सामना करना पड़ा, इसी कारण लोगों को बीच में सेवा कर नहीं पाई, अधिक से अधिक
ज्यादा समय नहीं दे पाया तो उन्हें सच्चाई बताई है, क्योंकि इनका बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया था। ऐसी अनेक परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने पड़ा करती है, परंतु जो काम किया वो सार्थक रूप से काम किया, परंतु कोविड काल भी 1-1.5 साल चला, उस विपरीत में भी काम नहीं हो पाए, अनेकों वार्डों में नहीं हो पाए, तो इन्होंने अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस शीर्ष नेतृत्व को लेकर कौन से प्रत्याशी यहां से उतारने का काम करेगा, क्या जनता वास्तव में सच्चे दिल से इंदु वर्मा को क्या दोबारा पार्षद गद्दी पर बैठाने का काम करेगा, वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, आखिरकार कौन वार्ड नंबर 4 से खुशीपुरा से सभासद बनने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी।